नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बलिया की, जहां आईएएस हरिश्चंद्र ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। साथ ही बात होगी भोपाल की, जहां भोपाल इंदौर समेत कई जिलों में पारा 44 डिग्री पार हो गया, और बताएंगे कि कैसे मुरादाबाद में जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण के दौरान गायब मिले चिकित्सा अधीक्षक। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे को अपना सहयोग देने पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनवादी पार्टी क्रांतिकारी सेवानिवृत्ति आईएएस हरिश्चंद्र ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि क्या देश की सुरक्षा अग्निवीर कर पाएंगे। अग्निवीर बनाया है 4 साल के लिए, नौकरी करेगा तो देश की हिफाजत कर सकता है, पेंशन नहीं मिलेगी तो कौन जाएगा अपनी जान देने। अग्निवीर की जो व्यवस्था की गई है वह देश के लिए नहीं बल्कि अडानी और अंबानी के लिए की गई है कि 4 साल बाद अग्निवीर आ जाएंगे तो अडानी और अंबानी के यहाँ चौकीदारी करेंगे। अब तक की सरकार के संशोधन का देखें तो आप देखेंगे, जैसे चुनाव आयोग को आप ले लीजिए, ये संविधान में इस बात का दिया गया कि चुनाव फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब कि सबको, आम आदमी भी देख सके कि निष्पक्ष चुनाव है, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जब इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होगा तो उसमें प्रधानमंत्री के अलावा, लीडर ऑफ अपोजिशन के अलावा चीफ जस्टिस भी होगा। ये सरकार, मौजूदा सरकार जो है वो संविधान की जो व्याख्या करने वाली सर्वोच्च न्यायालय है उसको भी नहीं मानती। अब मोदी जी ने आनंद फानन में वो संविधान के वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको निरस्त करते हुए आनंद फानन में, ये चुनाव आयोग, मेरा मानना है कि ये भारत का चुनाव आयोग नहीं है बल्कि ये मोदी जी का चुनाव आयोग होके रह गया है। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री के मातहत होते हैं। जब संविधान बनाया गया तो स्वतंत्र संस्थाएं बनाई गई थी, चुनाव आयोग बनाया गया था, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की व्यवस्था की कि लेखा जोखा कर सके, चुनाव निष्पक्ष करा सके। तो एक तो चुनाव आयोग को बताया, हम जिस शब्द से आए हैं संविधान में व्यवस्था की है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, यानी देश की सुरक्षा ये अग्निवीर कर पाएंगे। पूरे दुनिया में रेगुलर आदमी की व्यवस्था होती है कि रेगुलर है वो, जब आदमी को सिक्योरिटी नहीं रहेगी, उसके परिवार के बारे में अब चिंतित रहेगा तो देश की सीमा की सुरक्षा कर पाएगा। ये पाकिस्तान पर तो कहते हैं कि हमें स्ट्राइक कर देंगे और फलाना धमाका कर देंगे। अरे चीन ने यहीं हमारी जमीन, बड़ी मात्रा में जमीन पर कब्जा कर रखा है और इनको आंख दिखा रहा है। वहाँ सारे सड़कें बन गई, हवाई अड्डे बन गए, लेकिन उन्होंने अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अग्निवीर बनाया, आप बताइए 4 साल के लिए जो नौकरी करेगा आदमी तो देश की हिफाजत कर सकता है? वो अपने परिवार की, उसकी सुरक्षा की, उसके परिवार के बारे में चिंतित रहेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, कौन जाके लड़ाई अपनी जान गंवाने जाएगा? तो अग्निवीर की व्यवस्था जो की है एक देश के लिए नहीं की गई है बल्कि अडानी अंबानी के लिए की गई है कि रिटायर 4 साल के बाद जब वो नौकरी से आ जाएंगे तो अडानी अंबानी के यहाँ चौकीदारी करेंगे, उनके सुरक्षा गार्ड होंगे। इस तरह की इन्होंने व्यवस्था की। तो इस तरह से हम सभी लोगों की चिंता है और इसीलिए हमने समर्थन, हम लोगों ने समर्थन देने का किया। हम अपने बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। भोपाल इंदौर समेत कई जिलों में पारा 44 डिग्री पार है। सीजन में सबसे ज्यादा भोपाल तपा है। 8 शहरों का तापमान 45 डिग्री के पार है। गुना प्रदेश का सबसे गर्म शहर है। भोपाल में इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। गुरुवार को यहां का तापमान 44.4 रहा। ग्वालियर चंबल की गर्मी मालवा निमाड़ में शिफ्ट है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी, 2 से 3 दिन से ग्वालियर चंबल की गर्मी मालवा निमाड़ की ओर शिफ्ट हो गई है। इंदौर, उज्जैन, खंडवा, शाजापुर भट्टी की तरह तप रहे हैं। यहां तापमान रिकॉर्ड 44 से 46 डिग्री के पार जा पहुँचा है। गुरुवार को गुना सबसे ज्यादा गर्म रहा। लगातार गर्मियाँ जो है, भोपाल में सबसे गर्म दिन रहा है।
हाँ, एक्चुअली राजधानी भोपाल में कल जो तापमान दर्ज किया गया अधिकतम, वो 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सर्वाधिक है इस सीज़न का। और उसके साथ ही जो देखते हैं, सबसे अधिक सर्वाधिक तापमान जो है गुना में दर्ज किया गया, जो कि 46.6 डिग्री सेल्सियस है, तथा रतलाम में जो है लू का असर रहा। और बाकी बहुत से जिले जो है नॉर्थ ईस्ट एमपी और वेस्ट एमपी के बहुत से जिलों में जो है हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल की है। आगे आने वाले समय में किसी तरह की राहत देखने को मिलेगी इस तरह के मौसम? नहीं, आने वाले समय में जो है राहत तो थोड़ी कमी दिख रही है, क्योंकि कोई सिस्टम्स एक्टिव नहीं दिख रहे अभी। हम हर रोज़ सिस्टम्स को रिव्यू करते हैं हेडक्वार्टर द्वारा, तो तब अपन पता चल करा सकते हैं। लेकिन अभी जो है हमें पूर्वानुमान जो दिया है आने वाले 4 दिनों के लिए, हीट वेव कंडीशंस नॉर्थ वेस्ट एमपी और वेस्ट एमपी के अनेक जिलों में जो है प्रिवेल करेंगी। सेंट्रल एमपी के कुछ जिलों में भी हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल करेंगे। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह मुरादाबाद जनपद में लगातार सभी विभागों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। लेकिन बिलारी अस्पताल की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। अस्पताल में अचल पड़ी व्यवस्थाओं व सीएचसी प्रभारी प्रवीण श्रीवास्तव एवं महिला वार्ड की प्रभारी रेशमा भी नजर नहीं आई। इसको देखते हुए जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह की तरफ से नोटिस देकर जिला चिकित्सा अधिकारी से जवाब मांगा गया है एवं कमियां देखते हुए कार्यवाही की बात भी कही गई है। सीएससी प्रभारी प्रवीण श्रीवास्तव से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे भाई की तबीयत सही नहीं थी, उनका इलाज मेरे द्वारा किया जा रहा है, इसलिए मैं इमरजेंसी में चला गया था। इस दौरान डीएम साहब अस्पताल में आए थे तो ताला लटका हुआ मिला और कई कमियों को लेकर भी सख्त नजर आए। बिलारी प्रवीण श्रीवास्तव ने खुद माना है कि हाँ कमियाँ हैं एवं महिला विंग की डॉक्टर रेशमा जी से बात की गई तो वह भी कैमरे पर अपनी सफाई देती हुई नजर आई, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की लचर पड़ी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होने के बाद लगातार स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक सख्त नजर आ रहे हैं। उनके आदेश और निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए अधिकारी ठेंगा दिखाने का कार्य कर रहे हैं। कहां ये सब आप पहुंच जरूरी है? हम भैया पर्चा यहां आए हम दवा लेने बहुरनपुर से, तो हमने की पर्चा बनवा लो पहले, तो ये बोली का पर्चा बनवा ले, तो जे भैया बोले पर्चा सबके लेडीजों को बनना जेंट्स को बनना है, तो जे बोले पर्चा नहीं बनेगा उधर जाओ पलंग अस्पताल में। कितनी देर परेशान रहे थे पर्चे को लेकर? तो हमें तो एक घंटा से आधा घंटा ज़्यादा है गो समझ लो। तो हम तीसरा का फिर आए हैं, जब तुम्हारी गाड़ी आई है तो हमने फिर कही, तभी भैया समझा रहे कि जे लोग चूतिया बनाते हैं तुम वहाँ जाओ पलंग सेसपुल्लंग जाओ। अब जो क्या कहा अभी हाल बनवाऊंगा पर्चा, मेरे पर्चा तो दो बना करते कर, हमसे कहदान नहीं हो तुम, अगर नहीं देखा डॉक्टर क्यों नहीं देखेंगे पर्चा दोगे बना कर? ये कौन कह रहे डॉक्टर ना देखेंगे? यही कह रहा है ये पर्चा जो बनाए हैं। कौन सा अस्पताल है ये? जो अब जो तो ना पता सरकार ये जो तो किस जगह है? बिलारी में है, जो तो बिलारी में लगे। किस चीज की दवाई लेना है अस्पताल में? दवाई लेना आई, छींकें आ रही हैं, जुकाम है, बुखार है। क्या हुआ तो कितनी देर के आए हुए, कितना समय लगा पर्चा बनने में, क्या क्या दिक्कत आ रही थी? यही दिक्कत था पसंद दिया ना बना का। क्यों क्या कह रहे थे? हमें पलंग जाओ पलंग बनाएगा से पर्चा, अब ये कह रहे लेडीज का अलग है। क्या कह रहे थे? कल लेडीज का पर्चा अलग बनेगा। आप कहाँ से बनाया? हमने यहाँ क्या क्या बनवाया, बड़ी मेहनत से दो बना कर देते ना। जब आप आए तो कितनी भीड़ थी यहाँ? नहीं भीड़ तो नहीं थी। क्यों दिक्कत कर रहे थे? का पता दो ही ने पर्चा बना, तीसरी बार आई हूँ मैं घूम घाम का। कितनी देर में तीसरी बार आ गई है? हाँ कितनी देर में? आधा घंटा होगा। या तो एक तो सीएससी पे ताला बन पाएगा जो कि नहीं होना चाहिए था। जी सर जी सर। छुट्टी है लेकिन छुट्टी में भी इमरजेंसी सेवाएं रहती हैं। जी सर। ताला बन पाएगा तथा जो मैटरनिटी विंग में केवल एक पेशेंट एडमिट था, उसके खाने की व्यवस्था नहीं थी। जी सर। मैंने अपने सामने बहुत देर के बाद इंतजार करना पड़ा मुझे, उसके बाद रसोई घर का ताला खुला। लंच उनको देना था तो पहले से लंच की तैयारी होती। जी सर। तो इससे स्पष्ट है कि खाना आने की व्यवस्था यहाँ पर है नहीं। जी सर। और दोनों जगह पर सीएससी के जो जो अधीक्षक हैं वो भी एब्सेंट पाए गए। मैटरनिटी विंग में जो क्या नाम है उनका, रेशमा, अरे वो भी अनुपस्थित पाए गए। ठीक सर। इसके बाद कार्रवाई का कल एक्चुअली मेरे भाई की तबीयत ख़राब चल रही है। मेरे भाई ट्यूबरकुलोसिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, डायबिटीज हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, तो उनको 3-4 दिन से बुखार आ रहा था। मेरी दवा चल रही थी, तो कल उन्होंने फ़ोन आया था कि भाई मुझे आके देख जाओ,
तो मैं उनको देखने चला गया था। इस दौरान डीएम साहब ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया था दोपहर में करीब 11:30 के आसपास, और रही उसमें गेट पे ताला, जब डीएम साहब आए तो गेट पे ताला लगा हुआ था ऐसा मुझे सीन बताया गया। और मैंने जब स्टाफ से पूछा तो उन्होंने बताया कि सब चाबी हमारे, हमने जो जिससे ताला लगाया था वो चाबी कहीं हम रख के हमारी मिस हो गई है, जिसमें ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग गया, जिसकी वजह से ताला खुलने में 2-4 मिनट लग गए उनको। 4-5 दिन पहले भी आपको फ़ोन किया गया, आप 12 बजे मौजूद नहीं थे, तो आपने जानकारी दी थी कि हम रात के लोग, क्या मामला उस दिन भी नहीं थे आप? उस दिन एक्चुअली कुछ हमारे विभागीय कार्य थे, तो मैं ऑफिस में अपने जो अकाउंटेंट हमारा ऑफिस में रहते हैं उनके साथ मिलकर एक रिपोर्ट बनवा रहा था, उसके बाद होता हुआ। आप जब अनुपस्थित मिलेंगे? मेरी जो हमारे इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर श्वेतांबरी मैं हैं, उनको उनको उनके पास सूचना थी, उनको बता दिया था। अच्छा, बात करिए महिला विंग की, तो वहाँ भी कई चीज़ों से असंतुष्ट? उसमें जो भी कमियाँ पाई गई हैं उनको मैं सुधार करवा रहा हूँ, और चीज़ों और जो संबंधित कर्मचारी हैं उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल कर रहा हूँ कि भाई किन परिस्थितियों में इस प्रकार से लापरवाही बरती गई जिस वजह से ये कमियाँ पैदा हुई। डीएम साहब के सामने खुद कुछ मरीजों को खाने की व्यवस्था उचित नहीं मिली, बिस्कुट बाहर से आ रहे थे, जबकि सब चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, खाने की व्यवस्था एक ठेकेदार फर्म है जो जिसका टेंडर जिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से होता है, और उस टेंडर उन ठेकेदार को भी हम पत्र लिख रहे हैं कि जो भी खाने की क्वालिटी है या जो खाने की मात्रा है वो मीनू के हिसाब से उनको उनको उपलब्ध कराएंगे। जी, किस फर्म का चल रहा है ठेका? ठेका एक है, मैं अभी नाम बता दूंगा, एक हरदोई की फर्म है, उसका ठेका चल रहा है। जैसे कई महिलाओं का आरोप था 4 दिन पहले भी लगाया था कि वो पर्चियाँ बनाने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी, तो ऐसा क्या था? तो अभी मेरी जानकारी प्रकरण मेरी जानकारी में नहीं है कि उसमें मतलब कौन से दिन की घटना है, मैं जानकारी आप मुझे समय टाइम बता दें, मैं जानकारी करके आपको बता दूँगा। अच्छा, जैसा कि आए दिन लगातार देखा जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों से डिलीवरी और इसकी एक वजह तो ये है कि आदमी का ये बेसिक रुझान ये मान के चलते हैं कि प्राइवेट में अच्छी केयर होती है, सरकारी में केयर अच्छी नहीं होती है। एक बात को मानते हैं नहीं, हम नहीं मानते, लोगों के मन में मानसिकता बनी हुई है। लेकिन आपको ये बता दें कि हमारा सरकारी अस्पताल जो बिलारी का अस्पताल है, इसमें जो डिलीवरी हो रही है पूरे ज़िले के ब्लॉक सबसे ज़्यादा डिलीवरी हमारे यहाँ होती हैं, और ऑपरेशन भी हमारे अस्पताल में पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा हमारे ब्लॉक अस्पताल में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हो रहे हैं। बिलारी की बात की जाए तो कई आशाएँ जो हैं कई बार प्राइवेट नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटरों पे मिलती हैं। हम ऐसी आशाओं को चिन्हित कर रहे हैं जो प्राइवेट में डिलीवरी ले जाती हैं या और किसी अन्य गलत प्रैक्टिस में लगी हुई हैं या एक भी डिलीवरी नहीं करा रही हैं, ऐसी आशाओं को चिन्हित कर रहे हैं और उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि वो या तो लाइन पर आ जाएँ या काम ठीक से करने लगे या अंततः अपना कार्य छोड़ के किसी अन्य को मौका दें। बात की जाए तो जिलाधिकारी महोदय लगातार इस बात के लिए बोल रहे हैं कि अवैध और अपंजीकृत अस्पताल नहीं चलेंगे। अब जो अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कार्य है वो एक्चुअली जिले पे ही उसके नोडल अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा ही देखा जाता है, तो इस प्रकार से कोई अगर शिकायत हमारे पास आती तो हम उनको फॉरवर्ड अपने जिला स्तरीय अधिकारियों कर देते हैं। बात की जाए तो नगर के कितने पंजीकृत अस्पताल ऐसे होंगे जो बिलारी में चल रहे हैं? ये अभी मेरे पास जानकारी नहीं है, ये मैं आपको संबंधित नोडल ऑफिसर नंबर दे दूंगा, आप उनसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं सूचना। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। जिलाधिकारी संत कबीर नगर महेंद्र सिंह तंवर ने कल होने जा रहे लोकसभा चुनाव के मतदान पर जिले के मतदाताओं से अपील की है कि लोकतंत्र के महापर्व पर आप अपने मतदेय स्थल पर मतदान हेतु पहुंचे तथा भारी संख्या में मतदान कर मतदान का रिकॉर्ड बनाएं। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक सुनिश्चित है। सर नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह तंवर, आरओ 62 संत कबीर नगर। मैं आप सभी मतदाताओं से मैं ये अपील करता हूं कि कल 25 मई 2024 को आप कल मतदान करने के लिए अवश्य अपने मतदेय स्थल पर पहुंचें, और मतदान का जो समय है वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक रहेगा। कल पब्लिक हॉलीडे भी डिक्लेयर किया गया है, आप इसलिए सबसे पहले अपना मतदेय स्थल पर जाके अपना मतदान करें और उसके बाद आप अपने परिवार को समय दें। साथ में मैं आपसे ये भी अपील करता हूं कि ये एक लोकतांत्रिक पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है, इसलिए आप निडर होके अपने मत का प्रयोग करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल शाम को जब हम लोग मतदान प्रतिशत को देखेंगे तो वो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो। इसी उम्मीद के साथ मैं पुनः आप सबको कल के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
संत कबीर नगर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।